नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मलिष्का बोलती हुई नजर आती है कि ऋषि तुम पहले से बदल चुके हो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मलिष्का और ऋषि के सामने आयुष ने बहुत खरी खोटी सुनाई है। क्योंकि दोस्तों इस समय आयुष को पता है कि लक्ष्मी कभी भी इस घर के बारे में बुरा नहीं कर सकती और ये चीज़ ऋषि को भी पता है, लेकिन दोस्तों मलिष्का भड़काने का काम पूरा कर रही है। मलिष्का चाहती है कि किसी भी तरीका से ऋषि भड़काए में आ जाए और एक बार ऋषि भड़काए में आए उसके बाद में सब कुछ शॉर्ट है। लेकिन दोस्तों इधर मलिष्का की मॉम यानी कि किरण लक्ष्मी के ऊपर एक नया आरोप लगाने की कोशिश करेगी ताकि लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से छुटकारा मिल जाए। लेकिन दोस्तों ऋषि और आयुष पूरी तरीका से आरोपों को डिनाई यानी कि कैंसिल करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि मलिष्का की बात की जाए तो मलिष्का के लिए इस समय काफ़ी घर वाले साथ दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस समय लक्ष्मी के भी साथ काफ़ी घर वाले हो चुके हैं। यहाँ तक की बात की जाए तो ऋषि ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं किसी भी तरीका से लक्ष्मी का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो गलत फहमी थी जो लक्ष्मी के बारे में मेरे से बोली गई हैं। लक्ष्मी ने कभी भी इस घर के लिए बुरी चीज़ या घटिया चीज़ नहीं सोची है। लक्ष्मी एक पारिवारिक तरीका से सोचती हुई नजर आई है। लक्ष्मी को तो बदनाम करने की कोशिश की गई थी और इसीलिए लक्ष्मी को मेरे मन से गिराया गया था। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपकमिंग न्यू एपिसोड आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी की साइड लेते हुए नजर आने वाले। वहीं पर दादी बोलती हुई नजर आएंगी मलिष्का से कि मलिष्का तुम इतनी भी मत बोलो लक्ष्मी के बारे में, क्योंकि लक्ष्मी का जो करना है हम करेंगे, तुम कौन होती हो लक्ष्मी के बारे में, इस घर से लक्ष्मी निकले या ना निकले। लेकिन इधर ऋषि की मॉम यानी कि नीलम बहुत ज़्यादा लक्ष्मी के ऊपर भड़क रही है और वो चाह रही है कि किसी भी तरीका से निकाला जा सके इस घर से लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों ऋषि नहीं निकालेगा अब। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। गाइस थैंक यू सो मच।